अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। असबू ये क्या चिचोर बना है? तुम लड़कियों को आंखें मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो? नींबू भी डाले, सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है। कुछ कुछ होने वाला है जरूर आज। यार इस घर में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। अरे मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी दाई आंख फड़कने का मतलब है मेरे साथ कोई नाखुशगवार वाक्य होने वाला है, कोई गड़बड़ होने वाली है। समझ गई, आज तुम्हारी खुल के बेइज्जती होगी। कौन करेगा मेरी बेइज्जती? असबू इस घर में तीन अफराद है जो तुम्हें जलील करते हैं, माँ जी, भाईजान और मैं। तुम्हारी तो खैर है। लेकिन तुम्हारी खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि आज संडे है। आज फिर संडे है? अभी तो संडे गुजरा था, ये संडे कितनी जल्दी आ जाता है, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, ये सब कयामत की निशानी है। संडे बाजार जाना? नहीं भाई, वक्त का तेजी से गुजरना। असू प्लीज यार, ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, संडे बाजार चलने की तैयारी करो। नहीं डालें, इस हालत में मैं तुम्हारे साथ संडे बाजार नहीं जा सकता। आज अगर तुमने कोई हैकी वाकी की ना तो खुदा की कसम तुम्हें जान से मार दूंगी। यार अपना अशरफ, अरे उठ जाइए, सूरज सवा नीचे पे आ गया। ओहो, कौन आ गया? आफ्ताब सर पे आ गए सरताज। ये लो, मैंने आफ्ताब को ना सर से नीचे गिरा दिया। अशरफ आज संडे है। मेरे लिए तो रोज ही संडे होता है। हमारा मतलब है संडे बाजार वाला संडे है। शिगुफ्ता बेगम, मेरे जैसे वेले आदमी के लिए ना रोज ही संडे होता है। आपको पता है आज हमारा भाई आपकी बहन को संडे बाजार लेके गया है? शुक्र है उस बदतमीज की भी कोई गैरत जागी है। आप भी लेके चलिए ना हमें संडे बाजार। क्यों? बट्टे सट्टे में तो ऐसा ही होता है। शिगुफ्ता बेगम, कान खोल के सुन लो, संडे वाले दिन मैं कोई काम नहीं करता क्योंकि मेरी छुट्टी होती है। आप अगर आज हमें संडे बाजार नहीं लेके गए ना तो याद रखिएगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? जी हाँ। अच्छा चलो फिर ये बता दो कि मैं अगर तुम्हें संडे बाजार लेके नहीं जाता तो तुम क्या करोगे? हम आपको हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल के फेंक देंगे, आपकी छुट्टी कर देंगे। लो भी, तुम्हारी ये शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर है। आपको माँ जी की कसम अशरफ। शगुफ्ता बेगम, जब मियाँ बीवी की बात हो रही हो तो माँ जी को नहीं घसीटते उसमें। आपको अगर हमसे जरा भी प्यार है ना तो आप हमें संडे बाजार जरूर लेके जाएंगे। शगुफ्ता बेगम, प्यार तो घर में तुमसे बहुत करता हूँ। कहाँ चल दिए हमारे सवाल का जवाब दिए बगैर? माँ जी के पास। माँ जी हर वक्त माँ जी, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में, नौकरानी है हम बस। शगुफ्ता बेगम जरा ठंडे दिल से सोचो, हमने संडे बाजार जाना है, उसके लिए पैसे लेने हैं माँ जी से, और मैं कपड़े भी तो बदल लू। ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी हटो। पर माँ जी आपको पता है आज संडे है? पता है, फिर? माँ जी संडे संडे होता है। और तू तो सदा का वेला है, और तुझे क्या संडे मंडे से फर्क पड़ता है? मैंने यही बात ना शिकुता से की थी। फिर? माँ जी वो जो अपना घर दमाद है ना असफर, उसने एक खाप डाल दी है। कैसी खाप डाली है उसने? माँ जी वो जो असफर है ना, वो नशीन को लेके संडे बाजार जा रहा है। जाने दे उसको, दाल चावल का पाव, पता चल जाएगा उसे। माँ जी बाय द वे, आपके पास टूटे 5,000 रुपए हैं? क्यों? मुझे ना शिगुफ्ता को लेके संडे बाजार जाना है। बेगैरत, हराम ना खटू। माँ जी ये तारीखी जुमले आपने मेरे लिए कहे ना? हाँ जी। माँ जी आप मुझे कितना प्यार करती है। बेगैरत, देख रहा है बुढ़ी माँ पौधों को पानी दे रही है, उसकी मदद करने के बजाय तुझसे पैसे मांग रहा है। माँ जी हेलो फिर वो कहीं काम भी कर लिया कर, न कम दा न काज दा, दुश्मन है ना आज दा, शाम तक मुझे ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास लॉन चाहिए। हाय हाय माँ जी, ये दो चीजें पकड़ाई हैं, 5,000 पकड़ाती तो क्या था। ले भाई पुत्र अशरफ, आज तेरी रज के बिस्ती होने वाली है शगुफ्ता के हाथों। माँ जी क्या हुआ? माजी क्या हुआ? अब तो मैं गिर गई, मुझे बड़ी दर्द हो रही, मुझे उठा ना। माजी आप गिरी कैसे? पहले उठा मुझे, फिर मैं तुझे गिर के दिखाती हूँ। ये आइडिया अच्छा है। बेटा वो तेरा, उठा मुझे, मुझे बड़ी दर्द है, मेरा सर पड़ गया। माजी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा धान पान सा पतला सा आपको कैसे उठा सकता हूँ, मुझे चौकनी पै जाएगी। उठा मुझे, माँ जी मैं सबको बुलाता हूँ, मिल के आपको उठाते हैं। ओए अपना माँ जी चुक, वो गिर गई है। ध्यान से प्लीज।
माँ जी आप तो हमारे अंदाजे से भी ज्यादा भारी निकल आई। मशीन गन में हाथ लगाओ। और मेरे खुदाया हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। माँ जी आए यहाँ बैठे। माँ जी अरे यार आप लोग माँ जी को कमरे में लेके चलो ना। यहाँ तक इतनी मुश्किल से लाए, कमरे में कैसे लेके जाएंगे? माँ जी क्या हुआ बेबी? माँ जान हम लोग तनहा रह गए। माँ जी उठे ना। माँ जी आपको इस तरह मरने नहीं दूंगा। माँ जी मैं आपके साथ जाऊंगा। अल्लाह मियां के पास नहीं कमरे उसका। क्या हो गया, क्या हुआ? बाजी माजी अच्छी खासी थी, यहाँ पे गिर गई थी। मैंने और भाईजी ने उठा के उन्हें यहाँ पे रखा, हमसे बातें भी कर रही थी, फिर अचानक। फिर क्या? नौशी रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बेवा हो गया, मैं बेवा हो गया। भाईजान बेवा नहीं, यतीम। अतीम अतीम। अरे क्या हो गया आप लोगों को? माँ जी की तो नब्ज चल रही है, माँ जी जिंदा है। क्यों? क्यों है? क्यों का क्या मतलब? चलिए चलिए बातें बंद कीजिए, माँ जी को कमरे में ले जाके लेटाइए। शिकुफ्ता इनको कमरे में लेके चले। तुम लोग उठा के ले आओ, मैं माँ जी का बिस्तर ठीक करता हूँ। अरे अशरफ कैसे उठाएंगे हम? चलो उठाओ, चलो उस पर। माँ जी मेरे कान तरस गए फिटे मुँह सुनने को। फिटे मुँह? माँ जी प्लीज आप उठ क्यों नहीं रही हैं? भाईजान चलिए इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। ओए अजफर है, और किसी एम्बुलेंस को फोन कर। भाईजान अब कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है तेरा? बिल बनाने वाला आज से मीटर डाउन कर देगा। और अगर माँ जी को अस्पताल लेके भी चले गए, इलाज तो वो मंडे से ही शुरू करेंगे ना, आज से बेड का खर्चा पड़ जाएगा। अजफर ये बिल बनाने वाले संडे को छुट्टी नहीं करते? अजफर इस तरह से एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा ना कि माँ जी को होश क्यों नहीं आ रहा। अरे हमें पता है, हम बता देते हैं माँ जी को क्या हो गया है। माँ जी कोमा में चली गई है। कोमा? ये कोमा क्या होता है? इससे पहले मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो हमने भी नहीं है, लेकिन हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक आंटी जी सीढ़ियां उतर रही होती है, वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं और कोमा में चली जाती हैं। फिल्म का नाम क्या था? लेकिन हमारी माँ जी तो सीढ़ियों से नहीं गिरी, ये तो खुद बहुत ही ऐसे करके गिर गई हैं। अरे फिल्म का नाम क्या था असफर? भाईजान प्लीज डॉक्टर को फोन करें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारा दिल घबरा रहा है तो मैं फोन क्यों करूं? तुम्हारा शौहर करे। ओ गॉड, मैं अपने लिए नहीं माँ जी के लिए कह रही हूँ। माँ जी डॉक्टर को फोन करने से माँ जी होश में आ जाएंगी? अरे हम बैठते हैं माँ जी के पास, आप लोग जाएं डॉक्टर को फोन करें, मशवरा लें। मेरे पास तो किसी डॉक्टर का नंबर भी नहीं है। डॉक्टर का नंबर हम डायरी से निकाल लेंगे, हमने कौन सा इलाज कराना है, मशवरा ही तो कर रहे हैं। चले नशीन आओ, चले आओ नशीन, जल्दी करो। बेबी डालिंग जल्दी नंबर निकालो। ओहो बेबी इतनी देर में तो 3000 डॉक्टर डिग्रियां लेके निकल जाते हैं, तो उसे नंबर नहीं निकल रहा। भाईजान ढूंढ तो रहे डॉक्टर का नंबर। मिल गया। कौन मिल गया? डॉक्टर 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 इनामुल हक का नंबर। ओए मिल गया तो फिर जल्दी से ना। ये मिला, ये ले। बेल जा रही है। हेलो डॉक्टर साहब जी एक मिनट होल्ड करें। और अजफर है, मैं क्या बात करूं? अरे इनको बताएं कि माँ जी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। डॉक्टर साहब हमारी माँ जी जो है ना, वो जिंदगी और मौत के साथ बैठी हुई किशमिश खा रही है। क्या कहा? एक मिनट होल्ड करें डॉक्टर साहब, एक मिनट। ओए ओए अंग्रेजी में बातें कर रहा है, तू कर बात उससे। हेलो सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वो दरअसल हमारी माँ जी गिर गई, अब कोमा में है, अब क्या करें जी? क्या कहा डॉक्टर ने? वो पीएचडी डॉक्टर है, वो भी उर्दू में। मशवरा भी देता है कि नहीं? नहीं, मेरा तो जाती मशवरा ये है कि 1-2 घंटे वेट कर लेते हैं, माँ जी को अगर होश आता तो ठीक है, वरना। वरना क्या? हाँ अस्पू वरना क्या? वरना कुछ भी नहीं, वो मुझे भूख लग रही है, और आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता। यार भूख तो मुझे भी लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सवेर दावे डोला पे आ गया। अरे मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ, 1000 रुपए दीजिए। क्यों? अभी तो आपने कहा आपको भूख लग रही है। नहीं भूख तो लग रही है, पर अच्छा मैंने देने पैसे, ये पकड़। बात सुन, और कम महंगी चीज ना ले आई, 5-6 समोसे ले आई बस। हैं? और मेरा फोन तो नहीं ले गया सर? उसने कार मुका देना था सारा। भाई जान खाने पीने की कोई चीज मेरे पेट में जाएगी तो मेरा दिमाग काम करेगा ना, आप भी लीजिए ना प्लीज। ले भाई अगर मेरे खाने से माँ जी को होश आ सकता है तो 1-2 प्लेटें मैं भी खा लेता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी चख लेती हूँ। शुगुप्ता उस फिल्म में आगे क्या होता है? कौन सी फिल्म अशरफ? वो जिसमें माँ जी कोमे में चली जाती है। हमें तो पता नहीं। तुम बताना नहीं चाहती कि मुझे सदमा ना हो? अरे सदमा तो हमें भी पहुँचा था,
क्यों? इसलिए कि लाइट चली गई थी, हम पूरी फिल्म देख ही नहीं सके। ये भी नहीं पता उसका नाम क्या था। मुझे अफसोस है। उस फिल्म का नाम मुझे अफसोस है था? नहीं भाई। फिर किस चीज का अफसोस है? इस चीज का अफसोस है कि माजी ने गिरने से पहले वसीयत नहीं लिखी। यार इसको क्या हो गया तुम्हें? माँ जी कोमा में और तुम्हें वसीयत की पड़ी है? बड़ी ही घटिया आदमी हो तुम तो। डार्लिंग, मैं तो उनकी रूह को इशारे सवाब पहुँचाने के लिए कह रहा था। इशारे सवाब? मगर हमारी माँ जी तो अभी जिंदा है। भाईजान, जो बुजुर्ग वसीयत करके मरते हैं ना, उनकी रूह भी मुतमईन रहती है और उनके वारिस भी। देखा आपने, हमारे भाई के पेट में खाना गया तो कितनी अक्लमंदी की बातें करना शुरू हो गया। ये घटिया आदमी है, इस वक्त ना घटिया बातें कर रहा है। भाईजान मेरी एक बात आप कान खोल के सुने। माँ जी कोई इस दुनिया में आबे हयात पी के तो आई नहीं। क्या मतलब है इस बात का? वो तो मैं यूं ही जज्बात में कह गया। भाई हम तो जा रहे हैं आराम करने। असफर खाना बहुत अच्छा था। ले पहले के खाने की गुनौदगी हो जाए, मुझे नींद आ जाए, मैं माँ जी की याद करके आता हूँ अभी। असफू मैं जाके आराम कर रही हूँ, आगे की जो भी सिचुएशन हो बता देना प्लीज। बाजी अब काय, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओ सॉरी, हम जरा सो गए थे। एक बात बताएं, क्या माजी को होश आ जाएगा? अरे अच्छा है ना ही आए होश। देखो ना घर में कितना सुकून चैन है। मुझे तो बहुत टेंशन है। तुझे किस बात की टेंशन हो गई अब? जायदाद की टेंशन है? अरे माजी की बेहोशी का जायदाद से क्या लेना देना? अरे बाजी यही तो मौका है। अरे ये कौन सा मौका है इस पर? अब भाईजान से बात करें ना। अरे हमारी उनसे बातचीत बंद ही कब हुई थी? ओफो, तो उनके साथ रह रहे क्या? बिल्कुल उन्हीं जैसी हो गई हैं। जाहिर है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो पकड़ता ही है। मेरी बात कान खोलकर सुने, इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। चल जीप भर के अशरफ और नौशीन की बुराइयां करते हैं। ओहो बाजी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या? अरे मैं तो कहता हूँ हमें माजी की बेहोशी से फायदा उठाना चाहिए। पागल हो गया क्या? कभी किसी की बेहोशी से भी किसी को कोई फायदा हुआ है? अरे उनकी बेहोशी अल्लाह मियां की तरफ से हमारे लिए गोल्डन चांस है। बड़ी मुश्किल बातें करता है तू असफर। देखिए मैं एक वसीयत लिखता हूँ, माँ जी के बाद सारी जायदाद का निगरान असफर रहमान। क्यों? इस तरह सारी जायदाद की विरासत मुझे मिल जाएगी। और हमारा क्या बनेगा? अरे बाजी मैं और आप तो एक ही है ना। हाँ लेकिन अशरफ नहीं मानेंगे। उनको बनाना आपका काम है। लेकिन माँ जी नहीं मानेंगी। अरे वो तो बेहोश है, वसीयत नामे पर हम अंगूठा लगवा देंगे खामोशी से। नहीं नहीं, माँ जी का अंगूठा कट गया तो बहुत खून निकलेगा। कल हम प्याज काट रहे थे, हमारी इतनी सी उंगली कट गई, इतना खून निकला था। क्या हो गया बाजी आपको? मैं अंगूठा लगाने की बात करूँ, काटने की नहीं। हम समझ गए, माँ जी तो वैसे भी अंगूठा छापी है। आप भाईजान को काबू करें, मैं नौशीन को सवालात कर करके पागल कर दूंगा। हम समझ गए, लेकिन हमें जायदाद में अपना पूरा पूरा हिस्सा चाहिए। अरे पूरी जायदाद हमारी होगी। बेबी डार्लिंग एक बात बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? असफू प्लीज यार, मेरा दिमाग पहले ही पिलपिला हो रहा है, मुझसे जनरल नॉलेज का कोई भी सवाल ना पूछो तो बेहतर होगा। मैं तो तुम्हारी अटेंशन माजी की तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा फिर तुम ही बता दो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है। मौत। तुम्हें इस वक्त अपनी मौत क्यों याद आ रही है? अपनी मौत याद नहीं आ रही, मैं तो कह रहा हूँ माजी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। यार असफू मैं सोच रही हूँ कि अगर माजी को एक दो घंटे में होश नहीं आता ना, तो हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। क्या मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है? क्या कहा तुमने? मेरे कहने का मतलब ये कि खुदा ना करे अगर माजी इस दुनिया से रुखसत हो गई, हम तो सब रुल जाएंगे डार्लिंग। हाँ यार ये तुम ठीक कह रहे हो, हम लोग तो वाकई रुल जाएंगे, पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम सब फुटपाथ पे आ जाएं। फुटपाथ पर क्यों? देखो बेबी डार्लिंग, बात दरअसल कुछ अजीब सी है। फर्ज करो खुदा ना खास्ता माजी की डेथ हो जाए। ओ कम ऑन असफू, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो उसको बात तो अच्छी करनी चाहिए ना। माजी कोमा में, कोमा और डेथ एक साथ कैसे हो सकती है? ओहो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज असफू, मुझे वाकई इस वक्त तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। वेरी गुड डार्लिंग, मैं एक वसीयतनामा लिखता हूँ माजी की तरफ से। माजी की तरफ से तुम वसीयतनामा क्यों लिखोगे? अरे हम सबकी सेफ्टी के लिए भाई। कैसी सेफ्टी? देखो अगर माजी इस दुनिया से चली गई तो ये सारी जायदाद सरकार के पास चली जाएगी, उन्होंने कोई वसीयत तो लिखी नहीं। फिर हम सब कंगाल हो जाएंगे, ये सारी अयाशियां खत्म। लेकिन असफू भाईजान इतनी मुश्किल बात नहीं समझने वाले है। अरे भाईजान को गोली मारो। जायदाद के लिए तुम भाईजान को गोली मार दोगे? कहने का मतलब ये कि भाईजान को तो बाजी किसी ना किसी तरह पटा लेंगी, मेरा मतलब है समझा लेंगी। I don't know असफू, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वही करो। वेरी गुड, जब तक मैं जिंदा हूँ ना शगुफ्ता बेगम, माँ जी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम अंगूठे की बात कर रही हो? अरे आप तो हमारे भाई की नेक नियति पर बस शक ही कीजिएगा, और वो बेचारा आप सबके लिए इतना फिक्रमंद हो रहा है। वो सिर्फ फिक्रमंद है जायदाद के लिए। जी जायदाद के लिए फिक्रमंद है, मगर किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। जी नहीं, यही बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से। शगुफ्ता बेगम मैं इस वक्त टेंशन में हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अशरफ फर्ज कीजिए माँ जी के साथ कोई 19-20 हो जाती है, फिर माँ के साथ चाहे 19 हो जाए या 20 हो जाए,
लेकिन मैं अजफर को 420 नहीं करने दूंगा। अच्छा एक बात तो बताइए, इस घर के कागजात हैं किसके नाम? माँ जी के नाम। और पावर ऑफ अटॉर्नी? माँ जी के नाम। आपके नाम क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए, माँ जी ने वसीयतनामा लिखा? नहीं। तो फिर आप यतीम होने के साथ साथ मिस्कीन होने के लिए भी इंशाल्लाह जल्द तैयार हो जाइए। मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप इतने समझदार होते ना तो आज पाई पाई के मोहताज ना होते, जायदाद के कागजात आपके नाम होते, कुछ समझे? क्यों? क्योंकि हम आपकी बीवी हैं, और अगर आपको हमारी बात समझ आती ना तो आज आप करोड़पति होते। मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए यही काफी है। हमारे लिए काफी नहीं है ये बात। अच्छा चलो, तुम ना मेरे साथ लड़िया ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ है अजफर? काफी से ज्यादा समझाने के बाद अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। वो क्या अस्कुल? इतने घंटे हो गए, माँ जी अभी तक बेहोश है। माँ जी कोमा में जो है अस्पर? तो हम उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? इसलिए कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। और हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? इसलिए कि माँ जी कुंडली मार के सांप की तरह बैठी हुई है उस दौलत पे। इस वक्त माँ जी कोमा में लेटी है, बैठी नहीं है। अरे ऐसे पैसे का क्या फायदा जो माँ जी के खुद काम ना आ सके? शाबाश, पूरे लाख रुपए का सवाल उठाया हमारे भाई ने, लाजवाब सवाल। अब हम क्या करें? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। वसीयत का निगरान अजफर रहमान है जी। मैं सबसे बड़ा हूँ, जायदाद का निगरान मैं बनूंगा जी। अस्पू ये भी लाख रुपए का सवाल है। शाबाश, हमें पहले ही पता था हमारे भाई के पास इस सवाल का जवाब भी होगा। हाँ, फर्ज करें माँ जी अगर वसीयत में निगरान भाईजान को बना दे तो? हाँ, इस तरह माँ जी का किरदार मशकूक हो जाएगा। बदतमीज आदमी, तो मेरी माँ का किरदार मशकूक कर रहा है? अरे सोचे लोग क्या कहेंगे कि माँ जी ने अपने ही बेटे को निगरा बना दिया, कितनी चीप हरकत है। तो मैं बन जाती हूँ ना निगरा? अरे तो फिर भी यही इल्जाम लगेगा ना माँ जी पे? जी हाँ। असफू कह तो ठीक रहा है भाईजान। अच्छा, कागजात पे अंगूठा भाईजान और रोशनी लगवाएंगे। क्यों? ये मैं आपको बाद में बताऊँ। अरे जल्दी कीजिए, माँ जी को हॉस्पिटल में तो लेके जाना है। चलो चलो। अंगूठे के बाद माँ जी आप बिल्कुल आजाद है, जो चाहे कीजिएगा। माँ जी ये सब कुछ हम आपके इलाज के लिए तो कर रहे हैं, रोशनी जल्दी करो डालेंगे। माँ जी को होश आ गया, माँ जी को होश आ गया। होश तो मुझे कब का आया हुआ है, और ये तो बेगैरत था ही, और तू भी साथ बेगैरत हो गया। माँ जी गुर्बत के हाथों तंग आके मैंने ये हरकत की है, मुझे माफ कर दे माँ जी। तुम दोनों कहाँ चले हो? माँ जी हमें एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। फिल्म का नाम तो मैं बताऊंगी। माँ जी है।